डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के प्रतिदिन बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आज शिवपुरी जिले के नरवर तहसील में कांग्रेसियों और किसानों के द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर ज्ञापन दिया गया और बाढ़ पीड़ित किसानों का सही सर्वे नहीं किया गया है, वास्तविक हितग्राही को राहत राशि न देते हुए लोगों के खाते में राहत राशि डाली गई है जिनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है और हजारों गाय भैंस बकरा बकरी बाढ़ में बह गया, उनके मालिकों को किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिली और नरवर मंगरूनी की कृषि उपज मंडी में धान और मूंगफली के किसानों को सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों का सही सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को सही मुआवजा नहीं दिलाती है तो हम आंदोलन करेंगे। काम से पहले तो किसानों को बाढ़ किसान है उनका आज भी किसानों को मुआवजा ना किसी वजह को जनता पार्टी के कार्यकर्ता है इनका कोई नुकसान नहीं उनको कर दिया गया उनको वो दिया गया सरल किसानों भाईबंदी और पक्षपात हो रहा है। आज हम ये प्रशासन को माननीय तहसीलदार को महोदय को हम बता के जा रहे हैं अगर पटवारी या कोई प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी किसानों को परेशान करता है तो हम एक जंगी प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और आज ये इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं अगर किसानों के साथ पक्षपात हुआ या कोई रिश्वतखोरी हुई तो हम इस तहसील में उग्र आंदोलन करेंगे और हम किसानों के साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हैं। हम